आज हम आपको बताएंगे रात में सोने से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो काफी लोगों को पता नहीं होती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उनके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। जब भी आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती है तो परेशानियां खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। जब भी आप रात में सोते हैं तो सोने वाला समय और सुबह उठने वाला समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है और इसी बारे में काफी लोगों को नहीं पता होता है कि किस प्रकार से इस समय को अच्छा बनाया जाए जिससे कि जीवन में खास बदलाव आ सके। जिस भी चीज के बारे में आप रात को सोते समय सोचते हैं और उसी समय सोते हैं तो उसी से जुड़े हुए सपने आपको आने लगते हैं और उसी प्रकार की एनर्जी आपके आसपास बनने लगती है। इसी प्रकार से जब भी आप सुबह उठते हैं तो वह समय भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि उसी समय में जैसा भी आपका मूड होता है, सोच होती है या जिस भी प्रकार की एनर्जी आपके आसपास उस समय होती है तो पूरा दिन भी आपका वैसा ही बीतता है। अगर आप नेगेटिव तरीके से उठते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर ले पूरे दिन में आपका दिन अच्छा नहीं जा सकता है। यदि आप रात में सोते समय अच्छी तरह से सोते हैं और सुबह भी अच्छी तरह से उठते हैं तो इसी से आपके जीवन में खास बदलाव होने लगता है। जब आप खुद कर देखेंगे तभी आपको यह एक्सपीरियंस होगा और खुद ब खुद बदलाव दिखने लगेंगे। काफी लोग अपना मोबाइल, किताबें, अखबार अपने बेड पर ही रखकर सो जाते हैं या फिर तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। इस प्रकार की कोई भी वस्तु आपको सोते समय अपने पास नहीं रखनी चाहिए। काफी लोग सोते समय तकिए के नीचे बहुत सी चीजों को रख लेते हैं या फिर अपने बेड पर ही उन चीजों को रखकर सो जाते हैं जिससे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की चीजें अपने तकिए के नीचे नहीं रखनी चाहिए और ना ही सोते समय अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि यही सब चीजें आपकी एनर्जी में बदलाव लाती हैं जिससे आप काफी ज्यादा नकारात्मक सोचने लगते हैं। रात में बुरे सपने आना या फिर डर लगना, किसी भी अनजान डर से आपको बहुत ज्यादा परेशानी होना, सोते समय बीच में नींद खुल जाना, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं माने जाते। जब भी आपके जीवन में ऐसे संकेत होते हैं तो जरूर कुछ न कुछ बुरी चीजों का अनुभव आप करते हैं और आपको इसी प्रकार के संकेत से समझना चाहिए कि कुछ गलतियां आप खुद भी कर रहे हैं। तो जब भी आप सोते हैं तो सोते समय किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। बस आप अपने पीने के लिए पानी रख सकते हैं और रात में अगर आपको सोते समय प्यास लगती है तो वह पानी आप पी सकते हैं, लेकिन जब भी सुबह उठ जाते हैं उठने के बाद कभी भी आपको वह पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही आप उठते हैं और जो पानी आपने अपने सिरहाने में रखा था सुबह उठते ही उस पानी को ना पिए, बल्कि आप उस पानी को किसी भी पौधे में डाल दिया करें। बिल्कुल भी भूल कर भी सुबह उठकर वह पानी ना पिया करें। रात में जब आप सोते हैं तो आपको प्यास लगती है तो उस समय वह पानी आप पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको वह पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो आपके आसपास की ऊर्जाओं को अपने अंदर खींचती है। पानी ही एक ऐसी चीज है जो अपने आसपास की ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लेती है और इसी से काफी ज्यादा प्रयोग भी किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रात को सोते समय आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि रात को उठने के बाद आपको वह पानी नहीं पीना है, बल्कि किसी भी पौधे में आप उसे डाल सकते हैं। अपना मोबाइल, लैपटॉप आपको अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। काफी लोग ऐसी गलतियां करते हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल कर खुद से थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने सिरहाने के पास रखकर कभी भी ना सोया करें क्योंकि इससे भी आपकी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और इससे निकलने वाली ऊर्जाओं का असर आपके दिमाग पर पड़ता है जिससे आप चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा महसूस करने लगते हैं। आपका पर्स, घड़ी, कितनी भी आदि चीजें होती हैं, इनको अपने तकिए के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जब आप सोते हैं तो तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे काफी ज्यादा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। जितने भी बुरे सपने आपको आते हैं या फिर डर लगता है, ये सभी प्रकार चीजें तुलसी के पत्ते रखने से खत्म हो जाती हैं और नेगेटिव चीजें आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होती हैं और किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं का असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आप तुलसी के पत्ते नहीं रख सकते हैं तो आप नींबू के पेड़ के पत्ते भी अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जब आप इन पत्तों को रखते हैं तो अगले दिन आप इसे फेंक दिया करें और दूसरे दिन के लिए आपको हमेशा नए पत्ते ही लेने हैं। नींबू का जो पौधा होता है उसके पत्ते बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और आप उन्हें अगर अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। बस इसी प्रकार से इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और सुबह के समय जब भी आप उठते हैं तो हमेशा अपने हाथों को देखकर अपने माथे को जरूर लगाया करें। इससे आपका भाग्य प्रबल बनता है और पॉजिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। जब भी आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इन चीजों को कर देखेंगे तभी आपको बदलाव खुद ही महसूस होने लगेंगे क्योंकि तभी से आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, जिसकी वजह से सुख समृद्धि वाली कितनी भी चीजें होती हैं वे आपकी ओर आकर्षित होती हैं
और आपके परिवार में आपके आसपास सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, जरूर सोते समय आप इन बातों का ध्यान रखा करें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।